हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे भेलपूरी। दोस्तों, इसको देखते ही सबको खाने को मन करता है और ये सबका फेवरेट भी होता है। दोस्तों, ये जो भेलपूरी है ये एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से बनता है। आज मैं इस वीडियो में मेरे अपने स्टाइल में इसको बना के दिखाऊँगा और मुझे पूरा यकीन भी है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज की भेलपूरी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, भेलपूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो टमाटर लिया है और इसको छोटा छोटा करके काट लिया है और इसका बीज को भी निकाल लिया है। साथ में लिया है दो छोटे छोटे साइज का प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ते, दोनों को भी काट लिया है, और दो हरी मिर्ची लिया है। मैं ये छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ इसलिए मिर्ची ऐड नहीं करूँगा। तो अभी हम सबसे पहले लेंगे एक पतीला। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा काटा हुआ प्याज, ऊपर से डालेंगे टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद इसका ऊपर धनिया पत्ता को डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे मिक्सचर, और मिक्सचर को डालने के बाद ऊपर से डालेंगे पोहा का भुजिया, ये भी फ्राई किया हुआ है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पापड़ी। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली का बीज, ये भी फ्राई किया हुआ है। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। चलिए हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम ऊपर से मुरमुरा डालेंगे। ये देखिए अभी मिक्स हो गया है, अभी हम ऊपर से मुरमुरा डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीन जन के खाने के लिए बना है उसी हिसाब से मुरमुरा लिया है। अभी हम इसका ऊपर दो ढक्कन सरसों का तेल लेंगे, और तेल को डालने के बाद ऊपर से डालेंगे दो चम्मच टमाटो केचप। चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर और भी कोई सामग्री हो जैसे कि पापड़ी या फिर भुजिया, तो आप उसको भी इसमें डाल के ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अभी और दो आइटम ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हम इसमें ऐड करते हैं सेव का भुजिया। ये देखिए ये सेव भुजिया। इसके बाद डालेंगे ये पूरा बारीक वाला सेव है, इसको भी डाल देंगे। जो पूरा बारीक सेव का भुजिया रहता है आप उसको एकदम लास्ट में ही डालें, तभी ये खाने में अच्छा लगता है। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए हमारा भेलपूरी बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए हमने बिल्कुल मार्केट जैसा एक कागज़ का ठोंगा भी बनाया है। अभी हम इसमें भी इसको डाल देंगे, और इसको डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस तरीके से आपको भेलपूरी का रेसिपी बना के दिखाया हूँ, मेरे बताए हुए तरीके से आप एक बार घर में बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और आपको ये आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।